मौजूदा समय में होने वाले अधिकतर सड़क हादसे मानवीय भूलों के कारण होते हैं, क्योंकि वर्तमान में वाहनों में जो तकनीक इजाद की जा रही है उसमें दुर्घटनाएं होने की संभावना ना के बराबर है। ऐसे में ड्राइवर के प्रशिक्षित करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा हर जिले के RTO कार्यालयों में टी ड्राइविंग एजुकेशन सेंटर खोलने जा रहा है। मौजूदा समय में होने वाले अधिकतर सड़क हादसे मानवीय भूलों के कारण होते हैं, क्योंकि वर्तमान में वाहनों में जो तकनीक इजाद की जा रही है उसमें दुर्घटनाएं होने की संभावना ना के बराबर है। ऐसे में ड्राइवर को प्रशिक्षित करने के लिए परिवहन विभाग हर जिले के RTO कार्यालयों में टी ड्राइविंग एजुकेशन सेंटर खोलने जा रहा है। जिला ऊना से इसकी शुरुआत कर दी गई है। इस बात की जानकारी डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट JM पठानिया ने हमीरपुर में दी। वे यहां जिले के सभी ट्रांसपोर्ट्स की समस्याओं को जानने पहुंचे थे। यहां पत्रकारों से बातचीत में डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि ऐसा भी प्रावधान किया जा रहा है कि जिस भी ड्राइवर का लाइसेंस सस्पेंड होगा उसे बहाल करने से पूर्व उसे 2 घंटे की टी ड्राइविंग एजुकेशन सेंटर में ट्रेनिंग करवाई जाएगी, ताकि भविष्य में उसे याद रहे कि किस गलती के कारण उसका लाइसेंस सस्पेंड हुआ था। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग अब ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनाएगा। इसके लिए हमीरपुर, बद्दी, जसूर और कांगड़ा में जगह चिन्हित की गई है। ट्रैकिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि उसकी ड्राइविंग कैसी है। उन्होंने बताया कि हालांकि इसका खर्चा बहुत अधिक है, लेकिन 2 ट्रैक का खर्च भारत सरकार देगी। हमारा तकरीबन 60-70 हज़ार किलोमीटर सड़कें हैं। हमारे पास पॉसिबल नहीं कि हर जगह की चप्पे चप्पे पे पुलिस को तैनात कर दिया जाए, और वो सोसाइटी हम समझते हैं कि वो ठीक नहीं है जहाँ पे पुलिस के डर से हम इन चीज़ों को रोका जाए। ये तभी संभव हो सकता है जब रोड सेफ्टी को एक कल्चर के रूप में जनरेट करें। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, आज से 20 साल पहले लोग बसों में सिगरेट पीते थे, लेकिन आज कोई सोच भी नहीं सकता कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिगरेट पीते हैं। तो एक कल्चर बन गया। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एडवांसमेंट की तरफ आप जा रहे हैं। अभी तक जो हमारा रोड बसेस को पास करने का तरीका है उसमें हमारा कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है। अब आपने सुना होगा, अभी हम यहाँ पे एक बद्दी में ऑटोमेटिक व्हीकल रजिस्ट्रिंग स्टेशन हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। इसके साथ हम यहाँ पे मोबाइल ATS ऑटोमेटिक रजिस्ट्रिंग स्टेशन, क्योंकि अभी तक हमारे जो MBIs हैं वो पूरा इक्विप नहीं है, उसमें हमारा जो ATS होगा ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन, उसमें व्हीकल्स को पूरा टेस्टिंग स्टेशन के अंदर चेक किया जाएगा, और जो भी व्हीकल उसमें पास नहीं होगी, और मेरा ख्याल से अगले 5-6 महीने में आप देखेंगे कि जितने भी बसेस हैं, इसके साथ मैं और जोड़ दूँ आपको, आपने जो प्रश्न पूछा है वो टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है कि हमारा जैसे ड्राइविंग टेस्ट है, अभी तक ड्राइविंग टेस्ट जो है वो साइंटिफिक नहीं है, तो उसमें ड्राइविंग ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक जो है वो भी हम हिमाचल में स्थापित कर रहे हैं, और आपके यहाँ पे नगरौन में ही हमारे को जमीन 85 एकड़ जमीन मिली है जहाँ पे हम इसको इस्टेब्लिश करेंगे, और इस पर पूरे प्रदेश में स्कूल बसें भी रुकती इसमें आती हैं, सारी उसमें आ जाएंगी। स्कूल बस है, स्टेज कैरेज है, आपका टैक्सीज है, पर्सनल व्हीकल है, वो सारी की सारी उसी में टैक्स इसमें पास। तो अभी तक सिस्टम जो है वो ये है कि हम व्हीकल आती है तो उसको टेक्निकली चेक करने का हमारे पास कॉम्पिटेंस नहीं है, हमारे पास मशीनरी नहीं है। तो ये ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम चल रहा है, जिसको अभी आस्ते आस्ते अब बदलाव शुरू करेंगे तभी तो बदलाव आएगा। लेकिन अभी जब आपके पास है ही कुछ नहीं उसको टेक्निकल चेक करने के लिए, तो फिर वो दबाव भी कह सकते हैं आप, बिना दबाव के भी कह सकते हैं, लेकिन वो ऐसे चेक प्रॉपरली होती है। इसमें डिपेंड करेगा कि हमारी फैसिलिटीज़ क्या है, लेकिन जो अगर सिंपल ट्रैक को अगर हम बनाते हैं तो उसमें 2 से 2.5 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा, क्योंकि उसमें कैमराज लगेंगे और साथ में ट्रैक्स बनेंगे। लेकिन अगर उसमें जैसे अभी हमारा हमीरपुर वाला बन रहा है, इसकी कीमत कम से कम 10 करोड़ रुपये की होगी, जहाँ पे ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर भी होगा, वहाँ पे ट्रैक भी होंगे, और उसमें हैवी व्हीकल का भी होगा, लाइट व्हीकल का भी। ठीक है, अभी तक तो गवर्नमेंट का ऐसा प्रपोजल नहीं आया। अभी हम ट्रांसपोर्ट पॉलिसी पे बात कर रहे थे कि अगर वहाँ पे ऐसा ऑपरेटर्स हमारे पास आते हैं और अगर सर्विस इम्प्रूव होती है तो किराया बढ़ाने के बारे में सोचा।